गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है जी, तो कोर मार्केटिंग कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले पहले हम ये करेंगे कि मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग और डूइंग ट्रांजेक्शन फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन। The set of all actual and potential buyers of a product or service, example like Asian market and European market. तो market होता क्या? Market एक ऐसी place होती है जहाँ पे हम transaction करते हैं, हम किसी को पैसे देते हैं, उसके बदले में हम उनसे सामान लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन हमारे actual buyers हैं, कौन खरीद रहे हैं, और potential buyers वो buyers होते हैं जो हमारे future में बन सकते हैं buyers। ठीक है, आगे है बिजनेस। अब हम मार्केट से सामान क्यों खरीदेंगे? ताकि हम बिजनेस कर सके। एनी लीगल एक्टिविटी डैट इज डन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट एट एनी लेवल एंड एट एनी कॉस्ट इज कॉल्ड बिजनेस। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर वन अनदर और मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसीव्ड वर्थ। या तो वो किस सामान के बदले में हम सामान एक्सचेंज करेंगे या पैसे के बदले में सामान। एग्जाम्पल कॉटन गिनिंग माइल्स, शुगर माइल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्यों की जाती है? मार्केटिंग की जाती है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, हमें पता लगे कि क्या उनकी नीड्स हैं। डिलीवरी ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वॉन्ट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस। तो बेसिकली ये की जाती है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, उसकी नीड्स पूरी हो, उसको डिलीवरी टाइम पे हो प्रोडक्ट की। द मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। एग्जाम्पल मार्केटिंग ऑफ पेप्सी, नेस्ले एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्या होता है? इट इज एन आइडिया और टेक्निक डैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो कंसेप्ट होता है जब हम कोई चीज को लेते हैं, कोई टेक्निक को लेते हैं कि जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। एग्जाम्पल कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो नेक्स्ट है कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हमारे सिलेबस में 5 कंसेप्ट हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सबसे पहले है प्रोडक्शन कंसेप्ट। The idea that consumer will favor products that are available and highly affordable. इसमें ये आइडिया लगाया जाता है कि कस्टमर वो ही प्रोडक्ट खरीदेगा जो चीप एंड बेस्ट हो, जो अफोर्डेबल हो, जो वो पे भी कर सके। द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? उसको इम्प्रूव करनी है अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कि वो टाइम पे पहुंच सके कस्टमर के पास। Example of production concept. Honda has been the world's largest motorcycle manufacturer since 1959, as well as the world's largest manufacturer of internal combustion engines. Honda usually follow the production concept to satisfy the customer and to achieve the company's goal. More you produce, more you earn. ये इनका लोगो है कि जितना प्रोड्यूस करोगे उतना अर्न करोगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। द आइडिया डैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड एडवांस फीचर्स। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन शुड डिवोट इट्स एनर्जी टू मेकिंग कंटिन्यू प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स। अब इसमें क्या बता रहे हैं? उसमें था प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव करनी है, इसमें प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव करना है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कार्स हैं टाटा की,
तो ये उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की हैं पहले से, जिससे कि क्या है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वैरायटी के देख लेते हैं कि उन्हें कौन सी गाड़ी लेनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज सेलिंग कंसेप्ट। द आइडिया डैट कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। जैसे ये देखो, पेप्सी ने क्या किया है, हायर किए हैं क्रिकेट स्टार्स। ठीक है, ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट सेल करना हो, हम ब्रांड एम्बेसडर किसको चुनते हैं, किसी फेमस पर्सनालिटी को, क्योंकि लोग उनसे इंस्पायर होके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड्स ऑन नोइंग द नीड्स एंड वॉन्ट ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन टू बायर्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। तो बेसिकली अगर आपके जो बायर्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे तो आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में ही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यून एक कंपनी है हेयर सलून की, तो ये अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा करती हैं। नेक्स्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अ प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटेंड मार्केटिंग दैट होल्ड्स अ कंपनी शुड मेक गुड मार्केटिंग डिसीजन By considering consumer wants, the company's requirement, customer's long-term interest and society long-run interest. Societal marketing is an approach that a company take when they are socially responsible. इसमें क्या होगा? Potential clients, जो हमारे आगे clients बन सकते हैं, company की philosophy और an approach of launching product or सर्विसेज। इसमें क्या होगा, सोसाइटल मार्केटिंग में एक ये भी होता है कि जो कंपनी है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रही है। ठीक है, साथ साथ फॉर एग्जांपल जैसे आप रजिस्टर्स खरीदते हो क्लासमेट के, तो उसमें क्या होता है, एक तो वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ में वो 1 या 2 रुपीज़ डोनेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या सोसाइटी भी डेवलप हो रही है क्योंकि वो सोसाइटी के लॉन्ग रन इंटरेस्ट के लिए चलता है। अब क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ताकि हमारे जो मार्केटिंग है, हमारे जो मतलब प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके। टू क्रिएट गुडविल, हमें गुडविल बनानी चाहिए। टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। अगर हमारा कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तो ही प्रॉफिट हो पाएंगे। सेटिस्फाइंग कस्टमर एज पर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, टू प्रमोट सेल्स। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो। थैंक यू।